वेलकम टू माय चैनल मोहन शर्मा किड्स क्लासेस। बच्चों, हमने कुछ टेंस सीख लिए हैं, सेवंथ टेंस सीख लिए हैं, उनको ही हम रिवाइज करते हैं, उनको ही आज रिवाइज करते हैं, इसलिए आज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये वही टेंस हैं जो बच्चों मैंने कराए हुए हैं, तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो, जैसे जब मैं घर गया मेरी माता जी खाना पका रही थी, यानी कि दो टेंस है, एक में ही आ जाएंगे। जब क्या होता है, व्हेन, जब मैं, व्हेन आई, अगर व्हेन के बाद कोई हेल्पिंग हो रहा होती तो क्या होता था, कब हो जाता, लेकिन अब जब है, व्हेन आई, अब क्या बन गया, जब मैं घर गया, व्हेन आई वेंट टू होम, मेरी माता जी खाना पका रही थी, यानी कि काम चल रहा था। माई मदर वाज कुकिंग फूड। जब मैं घर गया, when I went to home, ठीक है ना। देखो, आई वेंट टू होम, उससे पहले when लगा दिया, when आई वेंट टू होम माई मदर वाज कुकिंग फूड। अब है जब मैं घर गया, वही है ना, जब मैं घर गया मेरी माता जी खाना पका चुकी थी, अब काम पूरा हो चुका था। when I went to home मेरी माता जी, खाना पका चुकी थी, had cooked food। जब मैं घर गया, when I went to home my mother had cooked food। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, एक दो काम हुए हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, दो काम हुए हैं, डॉक्टर आया रोगी मरा। पहले काम हुआ है जो पास्ट परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म आएगी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म, डॉक्टर आया, डॉक्टर केम, रोगी मरा, मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो काम बाद में हुआ है उसमें सेकंड फॉर्म, पास्ट डेफिनेट टेंस, जो काम पहले हो चुका था, काम हो चुका था, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यही तो पहचान है ना पास्ट परफेक्ट की, किसी पॉइंट पर, यानी कि जब डॉक्टर आया रोगी मर चुका था। पुलिस के आने से पहले, पुलिस आई, चोर भागा, तो पहले काम कौन सा हुआ था, चोर भाग चुका था, तो क्या होगा, the thief had run away, चोर भाग चुका था, ये पास्ट परफेक्ट, पुलिस के आने से पहले, बिफोर पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले ना, तो चोर भाग चुका था, the thief had run away before police came, यानी कि सेकंड फॉर्म। जब अध्यापक आया, बच्चे शोर कर रहे थे, when teacher came, बच्चे क्या होता है, चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज, जब अध्यापक आया बच्चे शोर कर रहे थे, चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज व्हेन टीचर केम, जब अध्यापक आया। अब नेक्स्ट है, उनके आने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे, पहले काम कौन सा हुआ है, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे, we had finished our work, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे, पहले before
दे केम, वे बाद में आए हैं ना, तो इसलिए सेकंड फॉर्म दे केम, वे आए बिफोर, उनसे पहले। वी हैड फिनिश्ड आर वर्क, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। जब वे आए, हम पढ़ रहे थे, जब वे आए, व्हेन दे केम, व्हेन दे केम वी वर रीडिंग, वी वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे, या ऐसा भी हो सकता है वी वर रीडिंग व्हेन दे केम, ये बाद में भी आ सकता है, वी वर रीडिंग व्हेन दे केम। अब डॉक्टर के नेक्स्ट है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, तो रोगी इसमें भी मरा, पहले भी मरा था, इसमें डॉक्टर पहले आया है, ठीक है ना, रोगी मरा, इसको द पेशेंट, द पेशेंट, पहले में हैड डाइड था, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, अब बाद में मरा है, तो इसमें डाइड आएगा, हैड डाइड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, द पेशेंट डाइड, हाँ, आप के बाद, आफ्टर, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। पुलिस के आने के बाद चोर भागा, इसमें भी चोर भागा है, ठीक है ना, पहले पुलिस आई है, चोर भागा, द थीप रैन अवे, रैन अवे, सॉरी, आफ्टर द पुलिस हैड कम, पहले आई है ना, पुलिस पहले आई है, इसलिए हैड कम, पुलिस हैड कम, और चोर भागा, बाद में भागा, इसलिए सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि जो काम बाद में हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो पहले हुआ था पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो चल रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है बच्चों। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो, यू विल शेयर यू एंड यू विल राइट दिस सेंटेंसेस, यू विल राइट दिस सेंटेंसेस एंड यू विल कीप।